सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मधु। तो जैसे कि अब जन्माष्टमी आने वाली है और जन्माष्टमी को लेकर डीआईवाई बनाना तो बनता ही है। आज क्या क्या नया सरप्राइज आपको मिलने वाला है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ना मेरी डॉटर का एक टॉय था और इसके हैंड्स वगैरह भी निकल गए थे, लेकिन ये काफ़ी क्यूट था तो मैंने इसे काफ़ी दिन से संभाल के रखा था कि मैं इसका ज़रूर कोई डीआईवाई बनाऊंगी। तो सबसे पहले तो हम हैंड्स को बनाएंगे क्योंकि इसमें हैंड्स नहीं है। तो यहाँ पर मैंने मोल्डेड क्ले ले ली है और मोल्डेड क्ले को बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है। तो जो मोल्डेड क्ले का एक पैकेट आता है जिसमें दोनों कंपोनेंट हम मिक्स करते हैं, उसमें से हाफ में ही ये दोनों हैंड बनके तैयार हो गए हैं। तो आज इसी टॉय का यूज़ करके हम बनाएंगे अपने प्यारे से क्यूट से ये लिटिल कृष्णा। तो कृष्ण जी के साथ ना मेरा बहुत बचपन से ही एक अलग सा अटैचमेंट है, क्योंकि अलीगढ़ से मथुरा जाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तो हमारा जल्दी जल्दी वहाँ आना जाना होता रहता था। और आज मैं आपको यहाँ एक फैमिली की बात भी बताती हूँ कि हमारी फैमिली में मैं और मेरे भाई और मेरे मम्मी पापा हैं। तो जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड का नाम भी कृष्णा है, और जो मेरे भाई की शादी हुई है तो मेरी भाभी का नाम भी कृष्णा है। तो इस तरह से कान्हा जी हमारे रग रग में और हमारी फैमिली में बसे हुए हैं। तो यहाँ पर ब्लू कलर को हमने पूरी बॉडी पर पेंट कर दिया है। अब बारी है फेस को डेकोरेट करने की। तो यहाँ पर मैं आईज की आउटलाइन बना रही हूँ। तो आउटलाइन को आप थोड़ा ध्यान से बनाइए, क्योंकि अगर हमारा फेस थोड़ा सा भी गड़बड़ होता है तो पूरे फेस का जो एक्सप्रेशन है वो ख़राब हो जाएंगे और क्यूट भी नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरा ये ब्रश से फैल गया है, तो यहाँ पर थोड़ा ब्लू कलर लगा के मैं इसको क्लीन कर लूँगी। इसी तरह से दूसरी आईज में भी हम आउटलाइन बना लेंगे। तो जो लोग मथुरा होकर आए हैं उन्हें तो पता है कि वहाँ जो सुकून और क्या शांति मिलती है, और जो अभी तक नहीं गए हैं वो एक बार मथुरा ज़रूर जाके देखिए। कान्हा जी के जन्मभूमि के दर्शन ज़रूर कीजिए, वहाँ जो सुकून और शांति आपको मिलेगी वो एक अलग ही लेवल की होगी। तो अभी जो टॉय का जो जो हमारा कैप है उस पर मैं ब्लैक कलर कर रही हूँ जिससे कि वो हमारे हेयर्स लगें, और टॉप में मैंने एक क्ले की बॉल बना के लगा दी है जिससे कि थोड़ा जो जूड़ा टाइप का हमें दिखेगा। और यहाँ पर वाइट कलर से अब मैं तिलक लगा रही हूँ और थोड़ा सा श्रृंगार कर रही हूँ। कलर को सील करने के लिए वार्निश का यूज़ करना बिल्कुल भी ना भूलें, इससे हमारा कलर सील हो जाएगा और वो आसानी से निकलेगा भी नहीं। तो अब बारी है इनको कपड़े पहनाने की। तो यहाँ पर मेरे पास एक लेस है जो कि काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है, तो मैं उसी से ही यहाँ पर इनके कपड़े बना दूंगी। और अगर आप चाहें तो कोई भी फैब्रिक का भी इस तरह से यहाँ पर चिपका के फैब्रिक से भी हम इनकी ड्रेस बना सकते हैं। और इस तरह से मैं दूसरी लेस का यूज़ करते हुए यहाँ पर गले में भी एक हार बना दूंगी, और यहाँ मैंने टॉप में ऐसे लेस को थोड़ा सा खड़ा कर दिया है जिससे कि थोड़ा सा मुकुट वाला फील आए। और अब मैंने यहाँ पर राखी का सेंटर वाला पार्ट ले लिया है, साइड वाले को मैंने कट कर दिया है, और अब मैं यहाँ सेंटर में मुकुट लगाऊंगी जिस पे कि ओम लिखा हुआ है, और इसमें काफ़ी स्टोन्स हैं तो ये थोड़े अच्छे भी लग रहे हैं। और जो राखी का पार्ट बच गया है उससे हम इयररिंग्स बना लेंगे। मुकुट में थोड़ी और शाइन के लिए हम यहाँ पर राइनस्टोन चेन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर कुछ राखियों का इस्तेमाल मैं उनका हार बनाने में करूंगी। तो चलिए हमारे कान्हा जी बनके तैयार हैं, अब देख लेते हैं इनका फाइनल लुक। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में राधे कृष्णा लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए।
हमारे चैनल पे इसी तरह के इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट DIY आपको देखने को मिलते रहेंगे। और हाँ, मेरी तरफ से आपके पूरे परिवार को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।